चीन के सूबे जियांगसू से आए सीनियर पुलिस अफसरान के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। पब्लिक सिक्योरिटी जियांगसू पुलिस के डेप्यूटी डीजी तीन योंग शंग ने वफद की क्यादत की, जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज मोहम्मद एहसन यूनस ने पेशावराना अमूर और इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। चीनी वफद को बताया गया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौविन है और पुकार 15 की बदौलत एमरजेंसी कॉल्स पर पुलिस रिस्पांस में बेहतरी आ रही है। पंजाब पुलिस और जियांगसू पुलिस के माबैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, बॉडीवेयर कैमरों, 5G नेटवर्क को डेटा सिक्योरिटी के हवाले से तावन बढ़ाने का इरादा किया गया। डेप्यूटी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी जियांगसू पुलिस का कहना था कि चीनी टेक्निकल टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी और सेफ सिटीज को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे।